युवा मंत्री श्री संजय झा जी के कर कमलों के द्वारा बागमती नदी तट पर छठ घाट एवं बांध का लोकार्पण करेंगे। इस शुभ अवसर पर नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा जिला पहुंचे। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के अंतर्गत चतरिया गांव में लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। बागमती नदी तथा बूढ़द नदी की बाढ़ एवं कटाव से सुरक्षा के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा कराए गए कटाव निरोधक कार्यों एवं सीढ़ी घाट के निर्माण का लोकार्पण किया गया। सामने देख सकते हैं मंत्री संजय झा का जोरदार स्वागत सम्मान स्थानीय गाँव के लोगों ने किया है। साथ ही आपको बता दें कि दरभंगा लोकार्पण किया गया। बहादुरपुर प्रखंड सहित दरभंगा शहर, केवटी प्रखंड, सिंहवारा प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर बने कटाव निरोधक कार्यों एवं सीढ़ी घाट का भी एक साथ उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मंत्री मदन सहनी सहित गांव के बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे हैं। मंत्री संजय झा ने इस अवसर पर क्या कहा है, मदन सहनी ने क्या कहा है, वो हम आपको सुनाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मंत्री मदन सहनी ने बड़ा घोषणा भी किया है। मंत्री संजय झा यहां से सांसद बनकर टिकट लेकर आएंगे और उनको बहादुरपुर प्रखंड से जबरदस्त मतों से आगे बढ़ाना है, उन्हें जिताना है लोकसभा चुनाव 2024 में, ऐसा उन्होंने आह्वान भी किया है। मंत्री मदन सहनी ने आपको इंटरव्यू सुनाते हैं और पूरा कवरेज दिखाते हैं। यही वो कार्यक्रम का दृश्य है जहां पर आज उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए संजय झा पहुंचे हैं। भव्य रूप से यह सीढ़ी का निर्माण कराया गया है और इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक नया है, रिवर फ्रंट जैसा है। संजय झा ने कहा कि ये शहर को भी फेल कर दिया है, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इतना बड़ा स्वागत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंत्री संजय झा ने दिया है। लोग यहां के बहुत ज्यादा खुश हैं। देख सकते हैं इस अवसर पर छठ घाट को बैलून से सजा दिया गया है और बागमती नदी किनारे यह बड़ा कार्यक्रम जिसमें जल संसाधन विभाग के सभी जो खासकर पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी मौजूद रहे हैं। आज जो संजय जी अगर नहीं होते तो इसका निर्माण नहीं होता। ये एक विकास की ओर जा रही है पूरा चीज़, और ये ऐतिहासिक काम यहाँ जो चतरिया गांव में हुआ है इसके लिए हम पूरे समाज उनके आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम है? अंकित आनंद। क्या काम हुआ यहाँ पर? यहाँ पे जो घाट निर्माण का काम हुआ बहुत अच्छा काम हुआ है जिससे पूरा जनता खुश है। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ ग्राम चतरिया के। में एक क्षेत्र के तरक्की छे, दुनू के किस्मत आब एक संग चलते, तो अपन विकास चाहे छी, अपन तरक्की चाहे छी, तो पहले समर्थन देवे पड़त, सपोर्ट करे पड़त संजय झा जी के। संजय झा जी जतेक आगू बढ़ता एक क्षेत्र के विकास उतेक आगू है। ऐसे बेसी हम नहीं कहब, हम माननीय मंत्री संजय झा जी के आमंत्रित करवा। आज यहाँ पर लोकार्पण करने के लिए आए थे बाइक दुबर, मतलब हम लोग यहाँ पर आए हैं कि यहाँ जानते हैं कि इस एरिया में बाढ़ का प्रकोप रहता था। पिछले साल हम लोग आए थे और यहाँ पर बाढ़ के कटाव के लिए काम किया गया, उसी का लोकार्पण था। और दरभंगा में ही हम लोगों ने शुरू किया है कि जो कटाव का काम होता है उसमें सीढ़ी बना देते हैं, तो वो कटाव का भी काम करता है, उन्हें प्रोटेक्शन करता है, फ्लड का भी प्रोटेक्शन करता है और लोगों को सालों भर उसको सीढ़ी को यूज भी कर सकता है। ये इनोवेटिव आइडिया दरभंगा से ही शुरू हुआ है, उसी का एक अच्छा काम चतरिया गाँव में बहादुरपुर विधानसभा जो माननीय मंत्री मदन सहनी जी का है, यहाँ पर लास्ट ईयर ही हम लोग आए थे इस यहाँ पर, यहीं पर तय हुआ कि काम करना है और आज ये काम कम्प्लीट हो गया था जिसका उद्घाटन था उसी में आया। कहाँ कहाँ के किए हैं आज यहाँ पर? आज तो चतरिया का ही हम लोग मेन किया और आगे और जगह कार्यक्रम है। कितने का है ये प्रोजेक्ट? विभाग के लोग बता देंगे आपको, लेकिन ये काम बढ़िया से ये काम हो गया है। एम्बैंकमेंट पर आप देख रहे हैं कि वॉक करने के लिए हो गया, हम तो बताए भी हैं कि स्मार्ट गाँव का रूप ले लिया है चतरिया, लग रहा है कि स्मार्ट गांव है, शहर तो नहीं, तो पंचायतें हैं ना भाई, स्मार्ट गांव का। पहले सर किसी तरह की जो योजना होती थी समय सीमा होती थी उससे जल संसाधन विभाग में एक बात मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सरकार में हम लोग बड़ा बड़ा योजना, गंगाजल योजना, फल्गू में जो काम कर रहे हैं, अभी सिमरिया में काम कर रहे हैं, बहुत सारा योजना टाइम से पहले पूरा कर रहे हैं।
सिमरिया का योजना पर भी काम कर रहा है, उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे। मेंटेनेंस की देखरेख कौन करेगा? साधन विभाग करेगा ना, बनाया हुआ तो वही करेगा। वाला है, हम क्या तो बोले भाई कि भाई दरभंगा में एक भी फास्ट ट्रेन है बताइए? नहीं है। कितने लोग दरभंगा से जाते हैं? अगर आप हिसाब जोड़िएगा दरभंगा स्टेशन से जाने वालों, आप लोग पत्रकार हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा आप लोग भी जरा पता कीजिए कि पर डे कितने लोग ट्रेवल करते हैं। शायद देश में मैक्सिमम लोग ट्रेवल करने वाले में अगर 10-20 टॉप स्टेशन होगा उसमें दरभंगा है, और वहाँ पर गरीब रथ भी डेली नहीं है, एक राजधानी नहीं है। 9 साल में कौन ट्रेन दरभंगा को मिला बताइए? विश्व स्तरीय स्टेशन बनाया जा रहा है, अब चुनाव आ गया तो बनेगा ही नहीं विश्व स्तरीय, 9 साल में कहे नहीं बना। कि घाट के साथ साथ जो बांध का निर्माण हुआ अभी हम लोग वहां पर देख रहे थे तो परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था। अब यह बात एक तरह से प्रतियोगिता हो गया कि शहर के तरफ ज्यादा अच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्र के तरफ ज्यादा अच्छा है, और वह सब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हालांकि जो शहर का इलाका है या जो हमारा चतरिया पंचायत का इलाका है, दोनों इलाका में कोई अंतर नहीं है, उधर भी हमारे ही लोग हैं और इधर भी हमारे ही लोग हैं। अगर इधर काम हुआ है तो वह स्वागत योग है ही। हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि उधर के लोगों को भी कोई अंतर नहीं लगे, और सब दिन से चतरिया, पहले चतरिया नाम से ही पंचायत था, बाद में यह सिमरा निहालपुर हुआ, और 2010 से पहले ये दरभंगा शहर विधानसभा क्षेत्र में आते थे। तो दरभंगा शहर के विधानसभा के यह गांव रहे हैं तो शहर के ही भाग रहे हैं, तो उस लिहाज से अगर यहाँ काम हुआ है तो जो पहले छूट गया था या जो पहले शहरीकरण हो जाना चाहिए था वह 10 साल के बाद आपके कृपा से हुआ, तो इसके लिए हम सब लोग बहादुरपुर विधानसभा के साथ साथ इस इलाका के सब लोग अपनी ओर से हम लोग आपको बधाई और धन्यवाद देते हैं, और आपसे आग्रह करेंगे कि इतना कम ताली से इस पार तो बन गया है, उस पार नहीं बने। अटल जी ने सीधा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जब लोकसभा चुनाव आएगा तो जो हमारे उम्मीदवार होंगे, इंडिया के उम्मीदवार होंगे, जदयू के उम्मीदवार होंगे, उनको हम लोग मदद करेंगे। तो यह तो सीधा नहीं हुआ, यह घुमा करके हुआ। हम लोग तो सीधा बात करते हैं, और हम लोग के क्षेत्र में अगर ये काम करते हैं और इन्होंने काम किया है, हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, तो हम लोग तो यह चाहेंगे कि बहादुरपुर विधानसभा में अगर चुनाव होता है तो दरभंगा से तो ये जीते ही, बहादुरपुर से जितना वोट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, इस बार जिनको हम लोगों ने जिताया है उनको हम लोगों ने 57,000 वोट से जिताया है बहादुरपुर विधानसभा में, तो 57,000 वोट से जिताने वाले लोग कितना काम किए वह आपके नजर के सामने है, तो उससे दुगुना वोट से जब जीतेंगे, ये तो एडवांस में काम कर दिए हैं, तो इसके लिए भी हम लोग जरूर आपसे आग्रह करेंगे। और आपको हम लोग अपने तरफ से आश्वस्त करते हैं कि दर्जनों सड़क और पुल का हम लोगों ने स्वीकृति करवाया है, और उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इस साल के अंत तक उस काम को हम लोग पूरा करेंगे, और छोटा छोटा जो भी काम होगा सभी मुख्यमंत्री गलत देखे के लिए, तो हम सब जो इलाका से ठीक चर्चा करते रहे अबै छी, तो सीढ़ी नहीं बने छे। जल संसाधन का मतलब भले जहाँ बांध का दुरुस्त कर दिया, लेकिन पहल बेर हम सब ओझोल में सीढ़ी बने हुए, पहल सीढ़ी जल संसाधन विभाग का द्वारा बनले, तो जाए थे वे ओझोल में जे देखिए एकटा घर बिल्कुल लटकल छे अथी पर,
फर्स्ट घर वह देखो ओठाम बल्ले उझोल सीढ़ी बांधो और सालों भर अहा जा सके छे पानी के यूज क सके छे धर्म क्रम के काज छे से क सके छे अखने जे दखलिए हम तो कहबे जल संसाधन विभाग का थोड़ा गलती की एक फोटो लगाना चाहिए था जब काम शुरू हुआ उस दिन क्या हाल था यार और एक फोटो लगाना चाहिए था कि आज कैसा बना तब लोगों को समझ में आता तो पहले क्या था बहुत पुरानी बात तो नहीं है एक सवा साल पहले की बात है कि जिस दिन काम शुरू किए काज भ जाए छे तो ओकर वैल्यू लोग गड़बड़ा जाए छे पहले की बहुत मेहनत करो पड़े छे कोनो काज जमीन पर उतारे के वास्ते तो पहले की एक तो जरूर भविष्य में ध्यान रखिए कि जिस दिन काम शुरू हो आजकल तो मोबाइल का दुनिया फोटो खींच के रख लीजिए और जिस दिन कार्यक्रम हो तो प्रिंट आउट लगा दीजिए वहां कि जब काम शुरू किए तो ये था हाल और आज जब खत्म किया है तो ये है हाल तो समझ में आएगा लोगों को चतरिया हम सब बहुत बचपन से अबे छले आजम नगर अबैत रहे तो चतरिया में पुल देखिए चचरी का पुल रहे वो चचरी का पुल पर सो हम क्रॉस करने आ जौन हम MLC बनल तो दू चारिटा जो शुरुआती काज हम केने रही ते में चतरिया में हमर रिकमेंडेशन पर पुल बनल हम रिकमेंड केने छे हमर प्रयास और हमर रिकमेंडेशन पर MLC के रहे छले कोटा ओ समय में यहाँ एते 1 करोड़ के अमाउंट का पुल सड़क रिकमेंड कर सकते हम एक का पुल जो रिकमेंड केने रहिए ते या चतरिये का पुल रहे जहाँ का पुल बनल आई काज एत भले हाँ हमर देखत रहिए रोपनी का हाल ठीक नहीं छे पानी कम पड़ल तो कल देखलिए कि रोहतास जिला में 80-85% रोपनी भ गई कियाकि नहर से पानी ओत पहुँच जाए और दरभंगा में या मधुबनी में 45-50% रोपनी हो एत गैप एखन जो चर्चा कल मदन जी वो पश्चिमी कोसी नहर 1962 ईस्वी में DPR बनना शुरू हुआ हमरा सबके जन्म नहीं भेल रहे अमस हमरा लगे 70% लोग के जन्म नहीं भेल है 1962 वाला कम लोग हेबे अखन के बैसल 72 से काज शुरू भले 28 और 23 कते साल भ गेल 51 साल 61 साल भेल 61 साल 61 साल भ गेल 2019 में मुख्यमंत्री जी को लौ जाके काज के शुरू कर लिया इन नेपाल से पानी आवे और फुटौना में आवे मधुबनी में शुरुआत जो भेल रहे पूर्णा दरभंगा जिला रहे जहिया बनले और दरभंगो का मनीगाछी बेनीपुर दरभंगा ग्रामीण अई बेल्ट का वो योजना में जुड़ल आब वो योजना 70% पूरा भ गेल और अगला साल मार्च तक पूरा नहर योजना पश्चिमी कोसी नहर 61 साल के बाद तैयार भ जेतै से अहाँ सबके बीच बतबै छी 61 साल के बाद योजना तैयार भ जेतै लेकिन वो योजना का जते दरभंगा में ले एले जे मदन जी कहते रहे दरभंगा में 1 इंच नहर का सिंचाई के सुविधा नहीं छे आप जल संसाधन विभाग ओकरे एक्सटेंशन पूरा दरभंगा जिला और 4 प्रखंड समस्तीपुर का वो पश्चिमी कोसी नहर का जते पानी आबि रहल छे ओ पानी से सिंचाई भ जेतै ओ पर काज शुरू कऽ देलके इंटीग्रेटेड योजना में तो जो रोड ठीक भ गेलै बिजली ठीक भ गेलै सिंचाई सुविधा भ जेतै तो मिथिला का हाथ केओ पकड़ सकै छै एकर बाद दूटा काज तऽ ठीक भेलै हँ तो ओहि पर हम सब काज कऽ रहल छी एयरपोर्ट कोनो दरभंगे और चतरिया एरिया का बात नहीं छै ई पूरा एरिया के लेल एयरपोर्ट छै आ जहिया एयरपोर्ट बने छलै ओहि दिन मुख्यमंत्री तय कलखिन जे एयरपोर्ट बन रहा है तो दरभंगा में बनना चाहिए बिहार सरकार रिकमेंड केने रहे हम सब 352 करोड़ रुपया बिहार सरकार दऽ कऽ
ऑन रिकॉर्ड कर रहा छी, फिर रिपीट कऽ कऽ 352 करोड़ रुपया दऽ कऽ 78 एकड़ जमीन एक्वायर कऽ कऽ दऽ देल गेलै हँ एयरपोर्ट, जे नया जे टर्मिनल बिल्डिंग बनतै और रातोमे हवाई जहाज लैंड कऽ सकै, ताहि लेल 24 एकड़ जमीन चाहै छै। नवम्बरमे देल गेलै पहिल पार्ट जमीनके, आ फरवरीमे दोसर पार्ट, अगस्तमे आबि गेलै हँ, आइ तक ओहिपर काज नहि शुरू भेलै। तऽ अमृतकालमे बताओ अहाँ सब ईमानदारी से काज के कोनो मतलब छै कि नहीं छै, ओकर हिसाब हेबाक चाही कि नहीं राजनीति। एक साल पूरा भऽ रहल छै जमीन दे के, नवंबर में देल गेल रहै, आइ तक ओहिपर काज नहीं शुरू भेलै। माने बिहार का काज छै, कियाकि महाराष्ट्र गुजरात नहीं छै, तऽ अंत में जखन एतै तकर बादे विचार कयल जेतै। देख रहल छियै रेलवे स्टेशन के सुधार हेतै, दिल्ली स्टेशन के सुधार लिए अबै जाइ छै, गेल हवे बहुत लोग दिल्ली अबै छै, क्या टा ट्रेन छै दरभंगा से छै राजधानी, सप्ताह में 2 दिन गरीब रह जाइ छै, क्या टा ट्रेन दरभंगा के नया भेटले, कौन फास्ट ट्रेन दरभंगा से छै जे जाइ छै दिल्ली और बम्बई, अइ 9 साल में कोटा ट्रेन तेहन देखबाक चाहिए, किया ई वंदे भारत दोसर ठाम जाइ छै आ दरभंगा के नहीं भेट रहल छै, पूछबाक चाहिए ना। ये भाई चुनाव आ गया तो आप रेलवे को बनाएंगे विश्व नहीं विश्व स्तरीय, और ट्रेन कौन सा दिए हुए, 2 दिन गरीब रथ है यहाँ। एम्स का लंबा भाषण, एम्स का चर्चा कर, दरभंगा लो लैंड छे कोई नया बात है, दरभंगा शहर में तो क्या टा पोखर भर कर लोग भर कर लोग सिंगापुर जो गेल रही मैथिलो समाज हमरा बजेने रहे अटुका, मैथिल समाज हमरा कहलै जे एक तिहाई सिंगापुर समुद्र भर के बनल छे, समुद्र को भर दल के एक तिहाई सिंगापुर, एते पैघ शहर छे, दुनिया चल गेलै चांद पर आ कहै छे 10 फीट केना भर के केना बढ़ते एम्स, या सिखा रहल छे। ताहि दुआरे आज तक बेसी बात नहीं कहकर 2 टा बात का चर्चा जे आदरणीय माननीय मंत्री मदन सहनी जी और हम दोनों आदमी आयल रही चतरिया गांव लास्ट ईयर के बात छ 26 जून को, आ वही दिन मदन सहनी जी का आग्रह रहे जी यहाँ पर ये काम होना चाहिए, कि मंत्री जी यहाँ का क्षेत्र का बात बहुत मजबूती से, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हथिन, चाहे हम सब तो संगे काज करै छी, चाहे हमर विभाग के काज हो, अहाँ का क्षेत्र का काज के लेल ई हिनका नहीं रहन छन जे हम मंत्री छी, हिनका जतौ जा पड़े छन ओहि क्षेत्र में काज करै के, विधानसभा के जनता का सेवा का काज करै के लेल ओ सब ठाम जाकर ओ काज अहाँ का क्षेत्र के करबैत रहै छै। शहर बनलै कि नहीं बनलै से तो अहाँ सब बुझबै, स्मार्ट गाँव तो देख रहल छी, बताओ स्मार्ट गाँव छे ना भाई चतरिया, स्मार्ट गाँव जब देखा पड़ रहा है तो हम हिंदो सबको धन्यवाद दे छी, बढ़िया काज कर लेता, और दरभंगा का नाक छे मिथिला का, दरभंगा दरभंगे के थोड़े छी, ये पूरा मिथिला का राजधानी छे दरभंगा, दरभंगा का प्रतिष्ठा आ तो चीज बढ़ते तो पूरा मिथिला के ओहिसँ प्रतिष्ठा बढ़ै छै, तो एहिठाम का प्रतिष्ठा बढ़बै लए एहिठाम के काज करै लए हमरा सब गोटे जे क्षमता छी ओ बीच में करते रहे छी, हम धन्यवाद दे छी।